स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास फोर्थ का हिंदी ग्रामर का चैप्टर फाइव लिंग यानी कि जेंडर पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, मेज, नौकर, चूहा, माली आदि। निम्नलिखित प्राय पुल्लिंग होते हैं, हिंदी दिनों और महीनों के नाम। हिंदी दिन मतलब आपके सोमवार, मंगलवार, ये सब, ठीक है। और हिंदी महीनों के नाम आपने सुने होंगे, चैत का महीना, वैशाख का महीना, सावन का महीना, ये सब क्या होते हैं? महीनों के नाम होते हैं, हिंदी महीनों के नाम होते हैं। आगे पढ़ते, मंगलवार, चैत, वैशाख आदि। पर्वतों के नाम, जितने भी आपके पर्वत यानी माउंटेन्स हैं उनके सभी के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, सतपुड़ा आदि। वृक्षों और फलों के नाम, जितने भी आपके पेड़ों के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं, जितने भी आपके फल होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, केला आदि। लेकिन जो लीची है और नाशपाती है ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। देशों, महाद्वीपों, द्वीपों के नाम, भारत, चीन, अंडमान, जावा, एशिया महाद्वीप आदि, ठीक है, क्लियर हो गया। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा आदि, चांदी छोड़कर। चांदी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सभी ग्रहों के नाम, प्लैनेट्स के नाम, मंगल, शनि आदि। पृथ्वी छोड़कर, हमारी पृथ्वी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ आदि। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, मोती आदि। मणि छोड़कर, मणि क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, कुर्सी, नौकरानी, मालिन आदि। निम्नलिखित प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम, गंगा, यमुना आदि, ठीक है। जितनी भी आपकी नदियाँ हैं वो सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन इन दोनों नदियों में, इन सभी नदियों में दो जो ऐसी नदी हैं जो पुल्लिंग शब्द हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तिथियों के नाम, हिंदी में जो तिथि होती हैं यानी कि डेट होती हैं, प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि आदि। जिन शब्दों के अंत में आस, आवट, आहट, तयाया तथा प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे मिठास, घबराहट, बंदरिया आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नर, नारी, वर, वधु, शेर, शेरनी, छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, बैल, गाय, बेटा, बेटी, अध्यापक, अध्यापिका। समझ में आ गए यहाँ तक आपको? अच्छे से आगे पढ़ते हैं इसके। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग। आंसर इज लिंग। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राटी, साम्राज्ञी, सम्राटनी। तो आंसर इज साम्राज्ञी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पुल्लिंग है? गंगा, यमुना, सिंधु। तो सिंधु नदी क्या है? आपकी पुल्लिंग है, ठीक है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः से लिखिए। अब क्या करना है? जो आपका जेंडर अंडरलाइन है उसको आपको चेंज करना है और उसको दोबारा से आपको लिखना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रंजीता ने भिखारिन को वस्त्र दिया। तो रंजीता ने, भिखारिन के नीचे अंडरलाइन है तो क्या लिखेंगे? भिखारी। भिखारिन का क्या बन गया? भिखारी। रंजीता ने भिखारी को वस्त्र दिया। गाय पेड़ के नीचे बैठ गई। बैल पेड़ के नीचे बैठ गया। गाय चेंज कर दिया हमने जेंडर इसका। बच्चा गुड़िया से खेल रहा है। बच्चा गुड्डे से खेल रहा है। बकरी घास खा रही है। बकरी का चेंज होगा, बकरा घास खा रहा है। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है। मंदिर में पुजारिन पूजा कर रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लिंग। अब आप इसको अच्छे से रीड करना एंड लर्न करना एंड टेक केयर। ओके, बाय।